तो सच में एक गमगीन माहौल है और हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है। जब मुझे अपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ, जयराम जी हमारे विपक्ष के नेता के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ इस प्राकृतिक आपदा में दूसरी बार उन घटनाओं को देखने का मौका मिला है, सच में यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदायी भी है, चिंताजनक भी है। और हिमाचल प्रदेश पिछले एक महीने से जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है, एक्सेसिव रेन्स के कारण, अधिकतम बारिश के कारण, वो हम सब के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आज मैं सुबह सिरमौर के इलाके में कच्ची घाटी की तरफ गया था, बाद में शिमला में शिव बावड़ी पर भी गया और कृष्णानगर के भी जो वहां नुकसान हुआ है उसको देखने का मौका मिला। अभी कुछ और इलाके भी देखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमारे जो स्टेट का SDRF का जो डिजास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है, तो 17 तारीख को, 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था। और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हमें मालूम है कि जान भी गई है, घायल भी बहुत हुए हैं, हमारे जान माल का भी नुकसान हुआ है, कुछ घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, कुछ जमीनें पूरी तरीके से बह गई हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और 7 अगस्त को वो प्रधानमंत्री जी से मिले थे और गृह मंत्री जी से भी मिले थे और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे जिसमें से दूसरे दिन ही
189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। और इस तरीके से सारे सिस्टम को अगर हम देखें स्टेट शेयर को और सबको मिला करके तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिलकर के दिए गए हैं। अभी भी आज जब मैं मुख्यमंत्री हमसे मिले और हम उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि 189 करोड़ आपके 315 में से रिलीज कर दिए गए हैं। ये रुके भी इसलिए थे क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस थे यूटिलाइजेशन और ऑडिट के, वो क्लियर हुए तो वो दे दिए गए। कुछ जो बचे हैं उसको भी प्रदेश सरकार पूरी ताकत से लगी है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको रिलीज करेंगे जैसे ही उसके ऑब्जेक्शन हटेंगे, लेकिन उसको हम जरूर मदद करने वाले हैं। आप सबको मालूम ही है कि 20 टीम्स एनडीआरएफ की यहां पर काम में लगी हैं, उसी तरीके से 15 एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी ITBP की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दूसरी बात आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आज जब हम लोग इधर आए हैं तो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 200 करोड़ रुपीस रिलीज किया है SDRF फंड में, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 200 करोड़ एडिशनल अभी रिलीज किया है। आज संडे है, कल मंडे को हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर में पहुंच जाएगा। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के में 2700 करोड़ रुपए की स्कीम्स को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है। ये जो मैं आपको जितना बता रहा हूं ये सब रिलीफ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़ दें जो सड़क के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सब रिलीफ के दृष्टि से दिया गया है। लेकिन इससे अलग हट करके हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसका बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी ताकत के साथ भारत सरकार देगी और उसको भी पूरा जिसको कहा जाता है कि रीडू करके उन सारे जो नुकसान हुए हैं उनको हम ओवरकम करेंगे। और उसके लिए भी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उस समय तक जो स्टेट हाईवे पर प्रेशर आएगा उसके लिए भी और जो नेशनल हाईवे के लिए भी जरूरत होगी वो हम जरूर देंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मुझे कहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में ये अंदेशा रहता है कि हर चीज में राजनीति होती है। मैं विनम्र सबसे निवेदन करूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। इसलिए हम स्कोर पॉइंट सेटल करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग पूरी ताकत से इस समय एकजुट होकर हिमाचल की जनता की सेवा करें, यह हमारी जिम्मेवारी है। और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे, इस बात की हमें आपको गारंटी देंगे। वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू हेल्प द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रीस्ट्रक्चर द रोड्स द बिल्डिंग्स टू ब्रिंग द लाइफ टू नॉर्मलसी, फिर से हमारा जनजीवन अपना आम दिन की तरह चले, इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा
वो हम करेंगे। और हमने मुख्यमंत्री जी से भी जब बातचीत की तो उन्होंने मुझसे रिलीफ मैनुअल में के फंड्स के बारे में बातचीत की, उन्होंने मुझसे कहा कि फंड्स एडिक्वेट नहीं होगा। मैंने कहा आप समस्या बताना, निवारण करना हमारा काम है, हम करेंगे, आप इसके बारे में चिंता ना करें। और आज भी ये जो SDRF का फंड कह रहे हैं कोई डिमांड जनरेट नहीं हुई थी। हाँ, मैं ये जरूर बता देना चाहता हूं कि सेंट्रल टीम जो रिस्पांस की आई थी वो आ करके गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सारे डिटेल्स, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, इन्होंने दिया है कि क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं। आज उन्होंने मुझे सेपरेटली भी दिया कि बहुत से ऐसे डिमांड्स हैं जो हमको हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से और सबल बनाएगा। मैंने सब पर उनको कहा है कि हम भारत सरकार की तरफ से, जो हमारे मंत्री हैं वो और जयराम जी, हम सब लोग पूरी ताकत से हिमाचल सरकार को मदद करते हुए हिमाचल की जनता को ताकत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जाए, एक सवाल ये है। दूसरा, राहुल गांधी वाज विजिटिंग इन लद्दाख टुडे, ही सेड कि जो चाइनीज आर्मी है दे हैज कैप्चर द ग्रेजिंग लैंड ऑफ पीपल, बट PM सेज एक इंच भी नहीं ली गई है। साइमल्टेनियसली ही सेड कि जो लद्दाख के लोग हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द स्टेटस ऑफ UT। मुझे ऐसा लगता है, एक शब्द, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी लद्दाख की चिंता लगी है, मैं जरा हिमाचल प्रदेश पर बात कर रहा हूं, इसकी गंभीरता हम ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको कह देता हूं, क्या घोषित करना क्या ना करना यह विषय नहीं है। विषय यह है कि मैं आपको कह रहा हूं, वट एवर हिमाचल प्रदेश नीड्स दैट विल बी गिवन, दैट विल बी टेकन केयर। मैं फिर बता रहा हूं आपको, उसका स्पेशल नाम हो या ऑर्डिनरी नाम हो, आपको आर्थिक दृष्टि से सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। स्टोरी हिमाचल, वी आर हैविंग साइमल्टेनियस डिस्कशन विद ईच अदर। The report comes, the offer comes from the grassroot level. Whatever the demand, we'll support it. सर ये कह रहे हैं कि 10,000 crore रुपए का नुकसान हुआ है और आप योजनाओं की बात कर रहे थे, 200 crore आप SDRF का कह रहे हैं, ऐसा फिर आपको मैं बता रहा हूँ, इसको खर्चा करके आए ना, मैं कहाँ बना कर रहा हूँ। आप देखिए, फिर मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इधर उधर में मत जाओ। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो डिमांड करोगे मिलेगा, चीज को रखो सामने, बात करो। सर आप कह रहे हैं कि हिमाचल को हर संभव सहायता केंद्र प्रदान भी कर रहा है, आगे भी करेंगे। मुख्यमंत्री आपके सांसदों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कभी हिमाचल की भलाई के लिए प्रधानमंत्री से मिलते रहेंगे। ऐसा है, मुझे लगता है फिर आप यू आर अगेन ब्रिंगिंग इन टू पॉलिटिक्स। आई थिंक वी शुड अवॉइड दिस। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहूंगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं और हमारे सभी सांसदों ने यह तय किया है कि हमारी बची हुई सांसद निधि वह सारी राहत कोष के लिए दी जाएगी। आप हिमाचल प्रदेश में आप बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग में भी आप मंत्री रहे हैं, क्या देखते हैं जो जिस तरह से लैंडस्लाइड सिचुएशन बनी हुई है आज हिमाचल प्रदेश में, हर शहर में लगभग यही हालात है, देखिए ये एक्सपर्ट्स इसको तय करें, ये पॉलिटिशियन हर बात का जवाब दे इसकी आवश्यकता नहीं होती है। एक्सपर्ट्स हैं इसके लिए, दे विल टेक केयर। हमारा ये कहना है कि जो वो कहते हैं उसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए लेटर और स्पिरिट में। Facing this cracks in the roads and the walls. So are you going to talk to the union government to deploy some experts from the center? All support is there.
when people died of jaundice, I settled a national disease control center here. आप मांग तो करो ना, किस चीज को चाहिए? ये क्या होता है, जब समस्या आती हो तो आप उस दिन कुआं खोदने बैठते हो। अब मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमेन। पानी की व्यवस्था गर्मियों में के लिए करनी हो तो जाड़े में सर्दियों में उसके उसके बारे में सुनिश्चित करना पड़ता है। तो हमारे लोगों को आदत क्या है कि नी जर्क रिएक्शन। आप और हम शिमला को कोई दो दिन में देख रहे हैं ऐसा क्या? ये लगाए गए पिलर्स ये आप आज देख रहे हैं क्या? मैं कोई यहां एकेडमिक डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो आपके मन में है और ध्यान में है वो मेरे ध्यान में भी है, मेरे मुंह से बोलना जरूरी नहीं है। वी ऑल हैव टू शो द कंसर्न एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नीडेड एंड देयर आर सिस्टम्स विच कैन सपोर्ट अस टू डू डेवलप ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। Everybody is concerned. They are also concerned. We are also concerned. They are talking about the grassroots level and we are trying to help them, support them.